मैं हूँ मोनिका। हमारे इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं देश के बड़े बड़े शेफ से और साथ ही आपके साथ शेयर करते हैं कुछ बहुत ही बेहतरीन रेसिपीज। हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि वो इंडियन रीजनल रेसिपीज सीखना चाहते हैं, तो चलिए आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं हमारे इस बड़े से देश के एक रीजन के क्यूजीन की कुछ बहुत ही चुनिंदा रेसिपीज सीखते हैं। कौन सा रीजन है, कौन सी क्यूजीन, इसे जानने के लिए चलिए मिलते हैं आज के हमारे शेफ से। रीजनल क्यूजीन की आज हम बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से रीजन से क्या क्या बन रहा है ये सब जानने के लिए और सीखने के लिए यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं होटल रैडिसन ब्लू पश्चिम विहार न्यू दिल्ली के एग्जीक्यूटिव शेफ सुब्रत गोस्वामी। हाय शेफ, नमस्कार। एंड वेलकम टू रैडिसन ब्लू। थैंक यू शेफ। शेफ, कौन से रीजन की क्यूजीन है आज या कौन कौन सी डिशेज हैं? जो हम लोग का आज जो फोकस रहेगा मेनली दैट विल बी ऑन साउथ ऑफ इंडिया। ओके, बिकॉज साउथ ऑफ इंडिया ऑफर्स अ लॉट ऑफ वैरायटी इन टर्म्स ऑफ कुलिनरी थिंग्स। अभी जो हम बना रहे हैं दैट वी विल मेक अ पिकल्ड इडली विच इज मोर लाइक अ स्नैकी आइटम। और ये कहाँ से है? ये साउथ ऑफ इंडिया, बेसिकली साउथ ऑफ इंडिया में है, बट इट इज मेनली फ्रॉम तमिलनाडु। रीजनल क्यूजीन आप सीखना चाहते हैं तो अलग अलग रीजन से बहुत सारी आपको डिशेज सीखने को मिल रही हैं, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ये चटपटी सी इडली से, कॉल्ड द पिकल्ड इडली। पिकल्ड इडली, तो उसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए, हम बनाना शुरू करते हैं उसके साथ। पिकल्ड इडली बनाने के लिए हमें चाहिए 4 इडली, 2 साबुत लाल मिर्च, 2 बड़ी चम्मच अचार का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच सरसों दाना, 8 से 10 कड़ी पत्ता, आधा छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच गन पाउडर, 1 छोटी चम्मच हरा धनिया, 50 मिलीलीटर तेल और नमक स्वाद के अनुसार। व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हीट सम ऑयल एंड वी विल फ्राई द इडलीज व्हिच आर बेसिकली। हाँ जी, डीप फ्राई करूंगा। ये देखिए जैसा ये इडलीज है, ये दिस आर द होल इडलीज। एक इडली को 4 टुकड़ा करने से ऐसा साइजेस बन गया। ये देखिए तेल अभी गर्म हो चुका है जी, तो अभी मैं जो है इसमें ये डाल दूंगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये मॉइस्ट होता है तो छींटे आ सकती हैं। छींटे आता है और इसे हमें तेज आंच पे करना है बिकॉज हमें बाहर से सिर्फ क्रिस्प चाहिए, अंदर से मॉइस्चर ना लूज हो जाए, तो इसे धीमी आंच पे मत आप फ्राई कीजिएगा वरना अंदर से भी एकदम कड़ा हो जाएगा, विच वी डोंट वांट। यस, इसमें नाइस गोल्डन कलर आ रहा है। यस, हाँ जी, तो ऐसा ही रंग हमें चाहिए, ज्यादा ब्राउन नहीं करना है इसे। ये देखिए ये हो गया है। आई विल टेक आउट द वंस व्हिच हैव बिकम नाइस एंड गोल्डन ब्राउन। ओके, ये देख रहे हैं आप कैसा अच्छा सा कलर आ गया। राइट, चलिए इडली जैसा हमें कलर चाहिए था वैसे कलर आ गया है, नाइस लाइट गोल्डन कलर। ये हो गया, इडली इज डन। अब इसके बाद जो है इसमें पिकल इट। या आई विल पोर अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल। इसमें ज्यादा ऑयल का जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर द तड़का। आई विल पुट सम चिलीज, दिस रेड चिलीज, ओके, सम करी लीव्स, गरम है, एंड सम मस्टर्ड सीड्स। ओके, लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और सरसों दाना डल गया है जो कि इसका तड़का है, एंड लिटिल बिट ऑफ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, जस्ट टू टच सो दैट इट गिव्स अ हल्का सा इसमें रंग आ जाए। एब्सोल्युटली, ये देखिए ये अभी हो रहा है। ओके, नाउ आई विल पुट द इडलीज इनसाइड। ओके ओके, एंड आफ्टर द इडलीज आर इन, टॉस इट, थोड़ा सा इसमें सॉल्ट, क्योंकि इडली में तो सॉल्ट होता नहीं है, जस्ट लिटिल बिट, लिटिल सीजनिंग इज व्हाट वी नीड, सो लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। इफ यू वांट यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर आल्सो, दैट्स एज पर योर चॉइस, बट आई वुडंट सजेस्ट। देन यू ऐड दिस इज द पिकल पेस्ट, अचार का पेस्ट। ओके ओके, सो दिस यू कैन ऐड एंड दिस यू कैन देन, इसमें आपने अचार पीस दिया है वरना हम अचार का जो मसाला होता है हाँ कई बार वो रह जाता है, उसको भी यूज कर सकते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं, उसका ऑयल भी यूज कर सकते हैं, उसमें फ्लेवरिंग भी अच्छा आएगा। अब ये लेके ये देखिए तड़का हम उस ऑयल में लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, उसमें भी टेस्ट अच्छा आएगा। तो उसमें क्या होगा, ये देखिए अभी ऑयल और ये अचार जो है सारे के साथ ऊपर कोटिंग हो चुका है जी, एज यू कैन सी इट इज नाइसली कोटिंग। अब इसके बाद जो है ज्यादा हीट देने का जरूरत नहीं है, क्यों, अभी जो है इस ये ऑलरेडी पका हुआ है, इडली इज ऑलरेडी अ कुक्ड आइटम एंड दिस इज नाउ गिविंग दैट नाइस पिकल द स्मेल। इट इज नाइस, इट इज टेस्टी एंड इट इज हेल्दी ऑल्सो बिकॉज देयर इज नथिंग मच। एंड ऑन टॉप दिस इज अ गन पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द चिलीज, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, gunpowder dusting
And that's it. Your food is ready. Nice aroma. Nice aroma. Achar ka, obviously. Bilkul. Achar ka aroma. And then you can cut into it. Actually amazing, chatpati nice और अंदर से एकदम soft. जैसा कि chef ने बोला था, बाहर से crisp, अंदर से soft. बढ़िया है, easy है. Try कीजिए इसे. Next time चाय के साथ कुछ snack खाना हो या इडली बच जाए और समझ ना आए क्या करें, तो you can try this out. और इसका calorie chart जो है वो भी देख लीजिए, because it's कितना healthy है वो तो देखना बहुत important है. साथ ही इसका recap है वो note कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी step miss हो गया हो तो आप उसे अच्छे से note कर. पिकल्ड इडली बनाने के लिए इडली को चार हिस्सों में काट लें. कटी इडली को गर्म तेल में तल लें. एक अलग पैन में तेल गर्म करें, इसमें सरसों दाना, करी पत्ता, साबुत लाल मिर्च, नमक, हल्दी और तली इडली डालें. अचार का पेस्ट मिलाकर 5 मिनट पकाएं. पकने पर गन पाउडर और हरे धनिया के साथ सजाकर परोसें.